आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने पर अलीगढ़ में कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। विजय जुलूस निकालते हुए सत्यमेव जयते का नारा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को न्याय और सत्य की जीत बताया। रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं ने ढोल और बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहुल गांधी की कोर्ट में जीत होने पर बधाई दी। जिलाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह जादौन, महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा व अनवर अकील के नेतृत्व में रेलवे रोड से माल गोदाम तक विजय जुलूस निकाला गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय सचिव स्वराज जीवन, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरवर शर्मा, ठाकुर अमित सिंह, राजेश राजीवन, शरपाल सिंह सरिता, ठाकुर नागेंद्रपाल सिंह, सागर सिंह तोमर, रेखा शर्मा, धर्मेंद्र लोधी, मुश्ताक अहमद आदि मौजूद रहे। देखिए, आज देश की सर्वोच्च अदालत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। ये 4 अगस्त 2023 स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह की उम्मीद पूरे देश को थी, सारी कांग्रेस को थी, सब जानते थे कि जो अवर न्यायालय लोअर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो विरुद्ध कानून है। जितने बार हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिवक्तागण हैं, वो सब ये मान रहे थे शुरू से ही कि लोअर कोर्ट ने जो सजा दी 2 साल की, वो मैक्सिमम, वो अपने अपने आप में एक ऐसा है जिसका कहीं कोई साइटेशन नहीं था, जहाँ कहीं कोई किताब नहीं बनी, किसी AIR में नहीं छपा, उसके बावजूद भी लोअर कोर्ट 2 साल की सजा। तो पहले से ही मोटिव ये था कि 2 साल की सजा प्रावधान ये है संविधान में कि 2 साल की सजा हो जाएगी तो संसद सदस्यता चली जाएगी। तो कलम तोड़ते हुए 2 साल की सजा दी। यदि यही सजा 1.5 साल की होती तो संसद सदस्यता नहीं जाती, 1 साल की होती तो संसद सदस्यता नहीं जाती। तो इन्होंने जानबूझ के जो बिल्कुल मैक्सिमम था, जो मैक्सिमम कर सकते थे वो की, और 24 घंटे के अंदर ना आप अपील का टाइम दे रहे हैं, ना रिवीजन का टाइम दे रहे हैं, संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई और उसके तुरंत बाद आप आवास खाली करा दिया। तो पूरे देश ने ये देख लिया कि ये हिटलर शाही आदेश हैं। जो न्यायालय एक ऐसा स्तंभ है जिसको कि ये माना जाता है कि ये सब न्यायिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो वही देश की जनता को संभाले हुए है। एक मीडिया है, मीडिया तो गोदी मीडिया पहले ही बन गया है, न्यायालय पे पूरी जनता को भरोसा था। तो न्यायालय ने भी, अवर न्यायालय ने भी अपनी पावर से जाके ऊपर आदेश किए, जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिल्कुल सही कर दिया। आज पूरी देश की जनता और पूरी कांग्रेस पूरे देश में जश्न का माहौल है, जश्न मना रही है, और हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट को और जो सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे अधिवक्ता रहे उनको सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया जिससे जनता में एक उम्मीद जगी है, कानून के प्रति एक लोगों में विश्वास जगा है। आज जो खुशी का इजहार है, जिला कांग्रेस कमेटी पे किसी ने नहीं बुलाया, कांग्रेसी में उत्साह उमंग पैदा हो गया, क्योंकि आज जो जीत हुई है अधर्म पे सत्य की जीत हुई है। आज राहुल जी ने कहा डरे मत, वो नहीं डरे, और वही चीज रहा कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों को खरीदने का प्रयास किया गया तानाशाह ने, लेकिन तानाशाह खरीद नहीं पाया। आज सत्य में जीत हुआ है, आज सत्य पराजित हो सकता है, राहुल गांधी जी ने कहा पराजित हो सकता है, लेकिन परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। मैं आज राहुल गांधी जी को पूरा देश आज जो है इतिहास में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। आज जो है सुनहरी इतिहास में भारत का दिन लिखा गया है, पवित्र दिन है आज, कि आज के दिन हमारे राहुल गांधी को क्लीन चिट दी गई। इसके लिए आज कांग्रेस जनों ने बड़े उत्साह के साथ जुलूस निकाला, लड्डू बांटे, मिठाई बांटे और विजय जुलूस निकाला। आज बहुत कांग्रेस पार्टी में बहुत खुशी का माल है। हमारे जनप्रिय लीडर, हमारे सांसद राहुल गांधी की आज जो सजा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है, और ये बता दिया है पूरे देश को कि आप भी न्याय जिंदा है। हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह ही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय लिया है, आगे भी जनहित में ऐसे निर्णय लेते रहेंगे। अब हमारे राहुल गांधी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमने जुलूस निकाला उनकी खुशी में, और मिठाइयां वितरण की हैं, और बड़े हर्षोल्लास से उनका जो है सदस्यता बहाल का मनाया है।